हेलो स्टूडेंट्स, उपेंद्र सर लेक्चर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपीपीएससी के साइकेट्री के क्वेश्चन हमने पार्ट वन में सॉल्व किए थे और मैंने आपको कहा था कि अगर आप बाकी के साइकेट्री के क्वेश्चन भी जानना चाहते हैं तो मैं जल्दी ही उस पर एक और वीडियो लाऊंगा। आज है रिमेनिंग सेवन क्वेश्चन जो कि सिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन और है रिमेनिंग, वो भी मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो सेवन क्वेश्चंस पर हम फर्दर, जो कि मेन है, मतलब हमने फर्स्ट पार्ट में थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन थे, पर यहाँ देखिए किस तरह के क्वेश्चन पहली बार इस तरह के मैच विद लिस्ट वाले आए हैं। तो अगर आप इनका आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, ये तो एक परमानेंट ऐसा क्वेश्चन है कि अगर साइकेट्री के 10-12 क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में है तो ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। यानी इल्यूजन और हेलुसिनेशन की बात हो रही है कि फॉल्स परसेप्शन फील हो रहा है, लेकिन इस पर हिंट बनाइए विदाउट स्टिमुलाई। और जब भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है और फिर भी उसका परसेप्शन हो रहा है, दैट मींस कि वो किसकी बात कर रहे हैं, हेलुसिनेशन की। तो आंसर क्या जाएगा इसका, हेलुसिनेशन। परसिस्टेंट क्रेविंग ऑफ नॉन ईटेबल सब्सटांसेस, नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटांसेस को खाने की क्रेविंग होना, यानी तीव्र इच्छा करना जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उन्हें भी खाना। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी चौक या प्रेग्नेंट मदर्स भी कई बार बाल वगैरह खाना, ट्राइकोटेलोमेनिया आपने सुना होगा, इसे कहते हैं पीका। बहुत ही कॉमन, पीडियाट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, एक बिहेवियरल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं पीका। नेक्स्ट, EPS किस चीज का साइड इफेक्ट है? तो EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नाम सुनते ही हमें कौन सी दवाइयां याद आ जाती हैं, जिसे कहते हैं एंटी साइकोटिक। यानी एंटी साइकोटिक ड्रग से होने वाले साइड इफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है, EPS। विच इज नॉट रिलेटेड विद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इनमें से बाल अपराध या अपराध से रिलेटेड कौन सा शब्द नहीं है। देखिए, हम लोग पढ़ाते हैं लेकिन हर एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे नए मीनिंग आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका मीनिंग भी हमें मालूम हो। उन्हीं में से एक है ये क्वेश्चन और इसको इस बार से सिलेबस में इंक्लूड कर लिया, तो फ्यूचर में इनको भी हम, इनके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठी डेफिनेटली कर लेंगे। बट क्योंकि ये नया क्वेश्चन है कि कौन सा अपराध से रिलेटेड नहीं है या बाल अपराध से रिलेटेड शब्द नहीं है, शेल्टर होम, शेल्टर होम का मतलब होता है आश्रय घर, आश्रय देने वाली जगह, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है। और इसके बारे में जब मैंने जानकारी इकट्ठी की तो पता चला कि बोस्टन स्कूल और रिफॉर्मेटरी स्कूल दोनों ही टीनेजर्स के क्राइम से रिलेटेड है, और बिल्कुल जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल यानी बाल अपराध, तो टीनेजर के क्राइम से रिलेटेड रिफॉर्मेटरी स्कूल और बोस्टल स्कूल हैं जहां उन्हें सुधारा जाता है, दीज आर सेंटर्स। और बिल्कुल इसी तरह प्रोविजन हॉस्टल्स भी स्कूलिंग के दौरान जो बच्चे क्राइम कर देते हैं उन लोगों को रखा जाता है। ये तीनों ही शब्द वेस्टर्न कल्चर से आए हैं जहां पर ये सेंटर्स होते हैं जो टीनेजर्स वाले जुवेनाइल बच्चे क्राइम कर देते हैं, वहां से शब्द लिए हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट रिलेटेड, और नॉट रिलेटेड में सीधे सीधे हम इसका आंसर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं सुनिएगा, अगर हमें मान लो इन तीनों का मतलब नहीं भी मालूम तो भी हम इनका आंसर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही हमने ये तीनों शब्द ना सुने हो, लेकिन शेल्टर होम तो एक कॉमन वर्ड है, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय घर, हम उन्हें एक घर देंगे, एक छुपने की जगह देंगे। यानी जब भी कभी दंगे फसाद हो जाते हैं या सपोज डिजास्टर हो जाता है तो लोगों को छुपाने वाली जगह को शेल्टर होम्स बोलते हैं। तो यहाँ तो बड़े लोग भी आ गए ना, तो जब एडल्ट लोगों की बात हो रही है कि शेल्टर होम्स, तो ये रिलेटेड नहीं है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से। तो द राइट आंसर इज शेल्टर होम। हालांकि आंसर की अभी नहीं आई है बट फिर भी इसका आंसर ए ही जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए, आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता, किस एग्जाम का लेवल कितना ऊपर जा रहा है, कितने अच्छे क्वेश्चंस आए हैं साइकेट्री के, दो ये हैं और एक इसके बाद और है, जो तीन क्वेश्चन आने वाले हैं इनको जरा समझिएगा। मैच द लिस्ट कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, वैसे तो ये तीनों बिहेवियर के टाइप हैं बट एग्जाम में लर्निंग करके दिया कि कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग या साइकोमोटर लर्निंग से रिलेटेड इन तीनों में से क्या है, उसे मैच करना है। तो भले ही हमें ये तीनों नहीं मालूम हो, लेकिन एक बात मालूम है, जहां कॉग्निटिव वर्ड आ गया वहां थिंकिंग, थॉट, इंटेलेक्चुअलिटी या नॉलेज लेवल ही आएगा। कॉग्निशन का मतलब थिंकिंग, थॉट या इंटेलेक्चुअलिटी, तो नॉलेज मैच कर रहा है। अफेक्टिव वर्ड जहां आ गया,
हमें नहीं मालूम अफेक्टिव वर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है, वैसे अफेक्टिव का मतलब इमोशंस होता है राइट। यहाँ ये वर्ड जरूर हमें मालूम है, साइकोमोटर मतलब ऐसा काम जो हम मस्कुलर एक्टिविटी या कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं, यानी साइकोमोटर मसल एक्टिविटी के द्वारा हम क्या डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, साइकिल सीखना, फुटबॉल सीखना, पियानो सीखना, ये सब क्या है, ये साइकोमोटर एक्टिविटी है जिससे हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, टाइपिंग सीखना दैट इज स्किल डेवलपमेंट लर्निंग। तो जो बच्चा वो आंसर है एफेक्टिव वाला किससे रिलेटेड हो गया, एटीट्यूड से, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन बी पार्ट से, ए बी और सी, हमारा सेकंड ऑप्शन सी पार्ट से और हमारा थर्ड ऑप्शन ए पार्ट से मैच करेगा, ये होगा इसका सही क्रम बी सी ए। नेक्स्ट, इडियट, इम्बेसाइल, मोरोन और नॉर्मल, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आज तक तो हम नर्सिंग में सिर्फ माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड ही सुनते आए थे कि 20 से कम तो प्रोफाउंड, 20 से 35, 35 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 और 110 से 120 सुपीरियर, या 120 से 140 सुपीरियर और 140 से ऊपर जीनियस, ये ही टेबल हम याद करते आए थे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चीज़ दे दी, यहाँ तो हमें सिर्फ एक चीज मालूम है कि जो नॉर्मल है वो 90 से 110 है, बाकी ये तीनों मीनिंग तो हमने माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर करके पढ़ा है, प्रोफाउंड करके पढ़ा है, ऐसे मीनिंग तो हमने सुने ही नहीं। लेवल चेंज हो रहा है एग्जाम का, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मैंने जो हिंट बनाई है पहले इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वो देख लेते हैं जो हमें याद है। हमें क्या याद है कि 20 से कम वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड राइट, 20 से 35 और 35 से 50 को हम क्या बोल देते हैं, मॉडरेट और सिवियर, दोनों इसमें आ गए, और 50 से 70 वाले को हम क्या बोल देते हैं, आईक्यू लेवल वाले को, माइल्ड। क्यों मैंने ये दोनों एक साथ लिखे हैं, क्योंकि देखिए 20 से कम या 25 से कम, तो इन्होंने यहाँ 0 से 25 दिया है तो मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, 0 से 25 दिया है तो मैं 20 से कम वाले को ये बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ 25 से 49 दिया है, मतलब इसी में दोनों कैटेगरी आ गई, 20 से 35, क्योंकि यहाँ हमने 25 माना है, 20 को 25 माना है, तो 20 से 35, 35 से 50 वो इसमें आ गया, यानी ये वाले को मैं क्या मान रहा हूँ, मॉडरेट और सिवियर मान रहा हूँ, और इस आईक्यू लेवल वाले को, ये 50 से 70 लिखा हुआ है, इसको मैं माइल्ड मान रहा हूँ। यहाँ तक हमने ये चीज़ हमें मालूम है और ये चीज़ नई दी गई है, अब हमें मैच करना है। इसकी हिंट मैंने क्या बनाई है, वो आगे के लिए आपके काम आएगी, वो ध्यान रखना। मैंने एम से एम याद रखना है, एम से एम याद रखना है, यानी माइल्ड याद रखना है, एम से माइल्ड याद रखना है। अब आप बोलोगे सर मॉडरेट भी तो एम से है, तो हमने बोला ना मॉडरेट और सिवियर को तो हमने एक साथ कर लिया, आप एक काम करो फिर, मॉडरेट को अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मॉडरेट को हिंट के लिए एम आई याद कर लो, एम आई मतलब मॉडरेट इम्बेसाइल, ऐसे याद कर लो, या मॉडरेट सिवियर 25 से 50 या 20 से 50, तो इम्बेसाइल को हम रखेंगे इस कैटेगरी में। और जो इडियट बच्चा है, देखो मैंने क्या बोला, मोरोन एम से एम माइल्ड, और माइल्ड आईक्यू लेवल क्या होता है, माइल्ड आईक्यू लेवल ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइल्ड आईक्यू लेवल एम से एम। अब बचा इम्बेसाइल, इम्बेसाइल की मैंने क्या हिंट बताई, या तो एम आई, मॉडरेट और सिवियर दोनों आ गए इसमें इम्बेसाइल में, 50 से 25 से 50, और जो बचा इडियट ये लास्ट रह गया हमारा प्रोफाउंड लेवल, और नॉर्मल हमें पता ही है, तो आप आसानी से अब लगा सकते हैं। एक बार और समझा देता हूँ, भले ही आप कंफ्यूज हो रहे हो ये नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, एम से एम याद रखो, मोरोन बोलते हैं माइल्ड वाले को, और माइल्ड का आईक्यू लेवल कितना होता है, 50 से 70। ये याद नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, इडियट को याद रखो प्रोफाउंड, तो ये हो गया प्रोफाउंड, जो बचा वो इम्बेसाइल, नॉर्मल हमें मालूम ही रहता है 90 से 110, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पार्ट टू में हमने इंक्लूड किए हैं, एक क्वेश्चन और है वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, बट उससे पहले नॉर्सेट 2021 अनाउंस हो चुका है, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी करें इसके लिए, इस चीज़ का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कट ऑफ 65 से 70% जा सकती है, तो कुछ बच्चों ने रिव्यू दिए कि सर पिछली बार तो 40 से भी कम गई थी, इसकी आपने बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, हो सकता है ये ज़्यादा हो सकता है ये ज़्यादा हो, पर पिछली बार 3-4 साल पहले UPSC आया था, तब से अब मैं कंपटीशन लेवल देखिए, थोड़े दिन पहले ये चितरंजन का एग्ज़ाम लगा था,
और उसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई, जबकि उसमें ऑन्कोलॉजी के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, उसकी कट ऑफ 70 के अराउंड चली गई, चितरंजन इंस्टीट्यूट कैंसर वाला। तो आप ये 40% कट ऑफ बहुत कम होती है, 40% कट ऑफ का मतलब आप क्या समझते हैं, आप बिना पढ़ाई के भी अगर चार में ए, चार में बी, चार में सी भर देंगे तो 40% कट ऑफ आपकी आ जाएगी वैसे ही। तो कट ऑफ आप, चलिए ये अगर आप नहीं मान रहे हैं तो इसके आसपास से कम नहीं जाएगी, 60% तो कट ऑफ जाएगी जाएगी, और ये मैं जनरल कैटेगरी से आपको बता रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जरूरी भी है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ईजी है, बट तो खत्म करते हैं इस वीडियो को जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आए हैं यूपीपीएससी में, तो जरूरी है आगे भी ऐसे आ सकते हैं। मान लीजिए आपको इनका अंदाजा नहीं है, लेकिन एक चीज हमें क्लियरली पता है कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, दो विचारों में, दो डिजायर में फंस जाना, द्वंद, टू इंडिकेटरी कॉन्ट्रा इंडिकेटरी थॉट्स या आइडियाज में फंस जाना, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टू डिजायर्स। फ्रस्ट्रेशन, मान लीजिए इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मोटिवेशन का अंदाजा तो है कि किसी गोल के प्रति जो एनर्जी इंटरनली फील होती है उसे मोटिवेशन कहते हैं, तो ये हो गया एनर्जाइज दी गोल। अब स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, तो स्ट्रेस होता है, कोई डिजीज तो है नहीं स्ट्रेस, स्ट्रेस तो साइकोलॉजिकल अपसेट है, और फ्रस्ट्रेशन किसी डिजायर में ब्लॉक आने के बाद जो स्टेट पैदा होती है, किसी डिजायर में, किसी गोल में जब रुकावट आती है तो उस रुकावट के बाद जो पेनफुल स्टेट आती है उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बड़ी ही आसानी से आप इसका आंसर लगा सकते थे। अगर आपको इस तरह की आंसर कीज वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही हम मिलते हैं इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक, एंड गुड लक फॉर यूपीपीएससी एग्ज़ाम रिजल्ट।